प्रसाद साहू जी जिंदाबाद। में आए आपका स्वागत है, क्या कार्यक्रम है? जो पब्लिक आई है हमें उन्हीं से बात करना है। समाजवादी पार्टी इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन, साहू सम्मेलन, जातिगत सम्मेलनों पे बहुत जोर दे रही है, क्या आवश्यकता पड़ गई? आप विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, आपको जातिगत सम्मेलन की क्या आवश्यकता? जातिगत नहीं है, विकास का है। विकास सबके लिए होता है, ये अकेले नहीं होता। विकास सबके लिए होता है, समाज के लिए होता है। केवल एक समाज अगर कोई बाकी रह जाए तो विकास नहीं होता। विकास सबके लिए है, सब जाति के लिए है, सबके लिए विकास जरूरी है। तो ये जातिगत समीकरण के साहू समाज वो बात नहीं होगा, ये बात नहीं है। जो साहू समाज अलग है तो हमने एक संगठन बनाया, मैं ही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने बनाया। लेकिन इसमें देखिए आप, जो छोटे दुकानदार हैं, चाहे ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वो भी इसमें आए हैं और उसमें लिखा भी होगा, उनको बुलाया गया है। सबको जोड़ा लगता है आपको 2022 जोड़ने का प्रयास है विधानसभा चुनाव? प्रयास नहीं है, पूरे सबको जोड़ने का प्रयास नहीं, बल्कि 2022 में क्या लगता है आपको? हम लोग आएंगे, सरकार आपकी आएगी, सरकार हमारी आएगी। भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि हवा हवाई है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है ना, बोलना उनका है, आना नहीं उनको, आना जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को है। 40 साल पुराने आप समाजवादी पार्टी में हैं, योद्धा हैं, पुरोधा हैं, हाँ, कहाँ कमी रह गई? 12 में आपने, 12 में आपने, माफ करिएगा, 17 में आपने काम किया, कहाँ कमी रह गई कि सरकार आपकी चली गई? जनता ने हमको वोट नहीं दिया, बस बाकी हम ही लोग जीते थे उसमें, वही कमी कहाँ रह गई? नहीं, कमी नहीं रह गई, अब कोई 2-4% कम हो गया और तो कम नहीं हुआ, थोड़े थोड़े हम लोग पीछे रह गए। 22 में पूरा हो जाएगा? पूरा है ही है, अभी आप करा लीजिए, चाहे आप करा चाहे 22 में चुनाव हम लोग जीतेंगे और हम लोग सरकार बनेगी, ये निश्चित है। ठीक, थैंक यू।